स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस में सबसे बड़ी सेंधमारी करने जा रही। अब से कुछ ही देर में कई बड़े सुरमा हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जैसे बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे और इसके अलावा कई पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, विजय पाल मिर्धा, ब्रिजपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल भी बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। इन बड़े दिग्गजों के अलावा कई ऐसे कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे जो कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ये मेगा ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सियासी गलियारों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी को अंजाम दिया है। दो पूर्व मंत्री, तीन पूर्व एमएलए जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। आज प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा दिन है। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में जो सेंधमारी की है उसकी अब चर्चा हो रही है क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे हैं वो बीजेपी में आज शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सीपी जोशी इन सभी को सदस्यता दिलाएंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो बीजेपी में मेगा ज्वाइनिंग जो है बस अब से कुछ ही देर में होगी। जानकारी ये थी कि सुबह 11 बजे के आसपास आलोक बेनीवाल पूर्व विधायक रह चुके हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा पूर्व विधायक हैं, ये बीजेपी में शामिल होंगे। और इसके साथ जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पूर्व विधायक रहे विजय पाल मिर्धा भी बीजेपी का दामन थामेंगे और इसके साथ ब्रिजपाल मिर्धा बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और रामपाल शर्मा भीलवाड़ा के बड़े नेता हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से सियासी गलियारे में भूचाल तब आ गया जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस से ही किनारा करने की सोची और उसके बाद बीजेपी में शामिल होने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। और ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं सीधे आपको हम जयपुर से दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो सियासी गलियारों में कहें कि सबसे बड़ा भूचाल आया तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। गहलोत के सबसे करीबी, सचिन पायलट के करीबी रहे तमाम नेता जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और इसे एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि आम चुनाव बेहद पास है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट का इंतजार है। 10 सीटों पर बीजेपी अब अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। राजस्थान की राजनीति में आज सियासत के समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस से कई वरिष्ठ नेता भाजपा की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसको जिस तरीके से जो नुकसान होता जा रहा है उसका सीधा नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया के साथ साथ पूर्व जो सांसद हैं खिलाड़ी लाल बैरवा और करीब आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व कांग्रेस के विधायक अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बड़ा धड़ा कांग्रेस से पलायन कर रहा है वो धड़ा है जो जमीनी स्तर पर राजनीति करता है, जो गांव, ग्रामीण, किसान और खेती से जुड़ा हुआ है। यानी कांग्रेस का जो एक जनाधार माना जाता है कि अब से पहले गांव में, गरीबों में कांग्रेस की पकड़ थी, लेकिन जितने भी हम यहां पर तस्वीरें दिखा सकते हैं ये तमाम वो किसान हैं जो खेती और आजीविका से इनकी जीवनी चलती है। अब ये खासतौर पर जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो लालचंद कटारिया हैं उनका जयपुर ग्रामीण के साथ साथ आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों में एक विशेष प्रभाव है। वही ब्रिजपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा जो कि मारवाड़ की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं वो भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ रुझान कर रहे हैं। यानी मारवाड़ में अब जो कांग्रेस का जनाधार बहुत तेजी से गिर सकता है। इसके अलावा रामपाल शर्मा जो भीलवाड़ा से हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जिनका जो अलवर क्षेत्र की राजनीति है वहां पर उनकी विशेष पकड़ है। चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मिशन 25 की हैट्रिक को पूरा करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। पिछले एक साल से ये कवायद चल रही थी कि किस तरीके से मिशन 25 के हैट्रिक को पूरा किया जाए। इसी कवायद में राजस्थान में अब लगातार ऐसे जनाधार वाले नेताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है जिनका
गांव और जमीनी स्तर पर मजबूती पकड़ है और जिनका एक मजबूत जनाधार है। कांग्रेस से जो नेता पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी उनकी लगातार अनदेखी करती रही है या उनकी भावनाओं का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा गया है। लगातार कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे थे, अब जिस तरीके से कांग्रेस से पलायन होकर भाजपा की तरफ जो है जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इन जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कांग्रेस का जो एक जमीनी स्तर पर जो एक गठबंधन था, एक प्रबंधन था, और वो सब अब यहां से पलायन करके भाजपा की तरफ रुझान करने लगे हैं। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो बीजेपी में मेगा ज्वाइनिंग की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर अब से कुछ ही देर में बीजेपी का थामन कांग्रेस के दिग्गज नेता थामेंगे। बताते चले कि पिछले दो आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था, और अब जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता जो है सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। 24 के रण को जीतने के लिए बीजेपी 25 सीटों का टारगेट लेके चल रही है, कि पिछले दो आम चुनाव रहे हैं जैसे बीजेपी को सारी सीटें मिली, इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाए और तीसरी बार बीजेपी को सारी की सारी सीटें मिली। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राकेश, लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, ये सियासी गलियारों की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस के दिग्गज नेता ही अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जरा सियासी समीकरण समझाइएगा और अभी की अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कहेंगे कि प्रदेश की राजनीति एक बड़े मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है, और चूंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और किसानों से जुड़े हुए जो नेता हैं आज बड़े पैमाने पर जो है भाजपा की तरफ यहां से जाएंगे, चूंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया के साथ साथ राजेंद्र सिंह यादव और रामपाल शर्मा, आलोक बेनीवाल, जो एक मिर्धा परिवार जो कि मारवाड़ में जहां उनकी एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि है, रिशपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा, ये तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं आज भाजपा की तरफ आगे बढ़ रही है। चूंकि मिशन 25 की हैट्रिक को पूरा करने के लिए बीजेपी लगातार ऐसे जनाधार वाले नेताओं को राजस्थान में टटोल रही थी जो आगामी लोकसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इसी के तहत हम दिखा सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम किसान हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि जिनका ग्रामीण इलाके में एक मजबूत जनाधार है, जो ग्रामीण वोट बैंक पर अपना एक खासा असर रखते हैं, वो यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और अब यहाँ से वो निकलेंगे और अब जो है भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और भाजपा कार्यालय में वहां पर मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा और अध्यक्ष सीपी जोशी, इनको भाजपा की सदस्यता यहां से ग्रहण करवा सकते हैं। यहां पर पूर्व सांसद जो खिलाड़ी लाल बैरवा भी हैं, जिनका पूर्वी राजस्थान में कई जिलों में जो पिछड़ा वर्ग है, चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के वो एक पदाधिकारी भी रहे हैं और एक मजबूत जनाधार उनका माना जाता है। लालचंद कटारिया चूंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एक जमीन से जुड़े हुए और बेहद साफ छवि वाले एक नेता के रूप में इनकी पहचान यहाँ पर मानी जाती है, और लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की तरफ कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी उनके साथ वहां पर आगे जो है पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो जो मिर्धा परिवार है नागौर का, इसके कई मायने वहां पर हैं, क्योंकि मारवाड़ की राजनीति में मिर्धा परिवार का बहुत बड़ा रोल है। चार बार रिशपाल मिर्धा वहां से विधायक रहे हैं, दो बार, एक बार जनता दल से, एक बार निर्दलीय और दो बार कांग्रेस से, यानी एक मजबूत जनाधार के नेता उनके तौर पर उनको माना जाता है। इसके साथ साथ जो रिशपाल मिर्धा के बेटे विजयपाल मिर्धा हैं वो भी वहां से डेगाना से विधायक रह चुके हैं। तो अब मारवाड़ की राजनीति, चूंकि मारवाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर भाजपा को अपनी मजबूत एक पकड़ बनानी थी, ज्योति मिर्धा को वहां से भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। हाँ। साथ ही अब जिस तरीके से जो समीकरण बढ़ेंगे, राजेंद्र यादव अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर
जो अलवर के साथ साथ शेखावटी का यादव समाज का जो पूरा बेल्ट है वो अब भाजपा के साथ इसमें जुड़ेगा। रामपाल शर्मा भीलवाड़ा से हैं, पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के एक प्रत्याशी के रूप में रहे, वो अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो रिजू झुनझुनवाला, इनकी भी चर्चाएं हैं कि अजमेर से ये कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा के रहे हैं और ये भी अब जो है भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो भाजपा का कुनबा है लोकसभा चुनाव से पहले वो बेहद मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपने जनाधार को खो रही है और जो कांग्रेस की पहले भी चूंकि लीडरशिप को लेकर के कुछ सवाल खड़े हुए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनावों में अब शुरू हो रहा है। आज का जो राजनीतिक सीन राजस्थान का है, जिस तरीके से कांग्रेस से बड़ी संख्या में बड़े जनाधार वाले नेता पलायन करके और भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर भाजपा जो 2024 में मिशन 25 की हैट्रिक को पूरा करने का टारगेट लेकर के चल रही है, उस दिशा में एक सबसे बड़ी पहल इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वो पहल है जो ग्रामीण इलाकों से खेती और किसान से जुड़े लोगों से जो जहां वहां पर भाजपा की पहुंच अब जो आगे बढ़ पाएगी। चूंकि जो तमाम चाहे मारवाड़ का एरिया हो या जयपुर ग्रामीण का एरिया हो या फिर हम अलवर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें, अजमेर की बात करें, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में भाजपा का नेतृत्व और मजबूत होगा। ठीक है, मजबूत होगा नेतृत्व, इसमें कोई दो राय नहीं होगी और इसका आम चुनाव में असर भी पड़ेगा। राकेश, जरा ये समझाने की लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आम चुनाव बेहद ही पास है, ऐसे में क्या ये कांग्रेस नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या सियासी गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट है कि इनके मन में ये आस जग रही है, क्योंकि अभी 10 सीटों पर और प्रत्याशी बीजेपी घोषित करेगी, दूसरी लिस्ट आना बाकी है, तो क्या इनके मन में है कि शायद इनका नाम भी उस लिस्ट में आ जाए? राकेश, आप बिल्कुल देखिए, जो समीकरण चल रहे हैं मिशन 25 की हैट्रिक को पूरा करने का, वो आज के बनाए हुए समीकरण नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासतें बिछाई जा रही थी और उसी के तहत अब जो भाजपा ने अपनी जो एक हम कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक कहें कांग्रेस में, उसको ये अंजाम दिया है। चूंकि लालचंद कटारिया पहले पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो एक मजबूत यहाँ पर जो इसी इलाके से सतीश पूनिया जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद जो है राजवर्धन सिंह राठौड़, यानी हम कहें जयपुर ग्रामीण में भाजपा का परिवार इतना मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक ऐसे प्रत्याशी को ढूंढना मुश्किल होगा जो तीन तीन भाजपा के वरिष्ठ लीडरों को क्रॉस कर सके, जिसमें सबसे पहले लालचंद कटारिया जिनका एक मजबूत जनाधार है, दूसरी तरफ पूर्व जो सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं राजवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया, ये तीन दिग्गज नेता जयपुर ग्रामीण सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस के लिए इस चुनौती को पार पाना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम अगर अलवर और जो मेवात इलाके की बात करें तो अलवर में जो पूर्व गृह मंत्री हैं जो राजेंद्र सिंह यादव हैं, यादव समाज पर उनकी वोट बैंक का एक मजबूत असर है, बड़ा वोट बैंक उस इलाके में यादव समाज का है, तो वो उसका एक असर पड़ेगा। रिछपाल मिर्धा जो कि नागौर मारवाड़ की राजनीति का एक सेंटर पॉइंट है, ज्योति मिर्धा और इनके पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं, नाथूराम मिर्धा फैमिली वहां पर एक राजनीतिक अपना वजूद रखती है, और अब जब वो परिवार अगर जो है भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में एक बड़ी हलचल, बड़े समीकरणों में इससे बदलाव होगा, हलचल होगी और अंदर खाने में भी गहमा गहमी की स्थिति होगी। जो बीजेपी के नेता है उनके दिल में कहीं ये टीस ना आ जाए राकेश, की जिन्होंने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, उन्हें टिकट दे दिया गया और उन्हें दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पहले ही सीटों के समीकरण तय करने से पहले सर्वे करवा चुका है और ये भली भांति उन जो पूर्व प्रत्याशी हैं या नेता हैं उनको अपने जनाधार का समीकरण भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिखा दिया था। ऐसे में विरोध के आसार इसलिए कम नजर आते हैं क्योंकि भाजपा अब मजबूत जनाधार वाले प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार रही है। मिशन जो 25 है उसकी हैट्रिक को पूरा करने के लिए जो प्रत्याशी भाजपा के सर्वे में सफल घोषित हुए हैं।